गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज कॉजेज ऑफ बैड हैंडराइटिंग, मींस जो हस्तलेखन है वो तर्कसंगत नहीं हो पाता, कई बार लिखाई जो है वो लिखावट जो है वो स्टूडेंट्स की वो साफ या सुंदर नहीं हो पाती, उसके क्या क्या कारण हैं और क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके हस्तलेखन को सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है जिस कारण से स्टूडेंट्स की जो हैंडराइटिंग है वो सही तरीके से डिवेलप नहीं हो पाती या वो साफ रूप से नहीं लिख पाते। फर्स्ट है इमिटेशन ऑफ बैड एग्जाम्पल्स, मीन्स इसमें क्या आएगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे एक आदर्श लिखावट होती है, एक आदर्श हैंडराइटिंग होती है, स्टूडेंट उसको छोड़ करके जो कि आड़ी टेढ़ी मीन्स जो देखने में सुंदर लिखाई नहीं होती उसको फॉलो करने लग जाते हैं या उसके जैसा लिखने लग जाते हैं, जिस कारण से उनकी जो हैंडराइटिंग है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती या सुंदर नहीं बन पाती। मीन्स जो अच्छी लिखावट नहीं है स्टूडेंट उसको फॉलो करने लग जाते हैं, जिस कारण से वो भी अक्षरों की बनावट फिर आड़ी टेढ़ी करते हैं, जिससे कि उनकी जो लिखाई है, जिससे जो उनकी हैंडराइटिंग है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती। नेक्स्ट है यूज ऑफ फाउंटेन और बॉल पेन फ्रॉम अर्ली स्टेज, कि स्टार्टिंग से ही जैसे इनिशियल स्टेज होती है, स्टूडेंट ने स्कूल में एडमिशन लिया, वहीं से अगर हम उसको बॉल पेन या फिर फाउंटेन पेन स्टूडेंट यूज करने लग जाते हैं, इससे भी जो उनकी हैंडराइटिंग है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती, सुंदर नहीं हो पाती, अक्षरों की बनावट वो सही तरीके से नहीं बना पाते। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को अर्ली स्टेजेस पे हमें पेंसिल से या फिर स्लेट का हम यूज करते थे या तख्ती का यूज करते थे, इस टाइप के जो मटेरियल हैं उनके थ्रू स्टूडेंट को लिखना सिखाना चाहिए, और बाद में जब स्टूडेंट थोड़ा सा अपर प्राइमरी स्टेज पे चला जाए बाद में उसको पेन से हमें लिखना सिखाना चाहिए। तो अर्ली स्टेज पे बॉल पेन या फाउंटेन पेन का यूज करने से भी स्टूडेंट का हस्तलेखन जो है वो उनकी हैंडराइटिंग जो है वो सुंदर नहीं बन पाती, तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है लैक ऑफ गुड सिटिंग अरेंजमेंट, अगर क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है, मीन्स प्रॉपर जो है वो फर्नीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो उस कारण से भी स्टूडेंट की जो हैंडराइटिंग है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती, स्टूडेंट सही तरीके से नहीं लिख पाते, उनका जो हस्तलेखन है उनकी जो हैंडराइटिंग है वो सुंदर नहीं हो पाती, क्योंकि वो उनको बैठने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती, उनका जो पोस्चर है बैठने का, बैठकर लिखने का, वो सही तरीके से नहीं बन पाता, जिस कारण उनकी जो हैंड मूवमेंट है वो सही नहीं होती, उनकी लिखाई जो है वो सुंदर नहीं बन पाती। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ पेपर एंड इंक, जिस पेपर पे हम लिखते हैं, जिस पेपर पे स्टूडेंट्स लिखते हैं और जिस इंक के थ्रू, जिस स्याही के द्वारा या जिस पेंसिल के द्वारा वो लिखते हैं, कई बार उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है कि स्टूडेंट की हैंडराइटिंग सुंदर नहीं हो पाती। पेपर जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बहुत रफ पेपर है, बहुत पतला पेपर है, या पेपर जो है वो ब्लैक है, या इससे भी उनकी जो हैंडराइटिंग है वो सुंदर नहीं बन पाती। और दूसरा जो इंक है, जो पेंसिल है उसकी जो इंक है वो डार्क नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लाइट है, या जिस पेन का वो यूज़ करते हैं वो इंक, उसकी इंक प्रॉपर नहीं है, जो इंक है वो फैल जाती है, इस तरीके से ये कुछ कारण है जिस कारण स्टूडेंट की जो हैंडराइटिंग है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती, सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती, जिससे कि वो सुंदर नहीं लिख पाते। नेक्स्ट है बैड सिटिंग पोस्चर, बैड सिटिंग पोस्चर में मीन्स बैठने का जो आसन है, लिखने के लिए जो एक सही आसन है बैठने का, कई बार स्टूडेंट्स को उसका नहीं ज्ञान होता, उसका पता नहीं होता, उनका जो सिटिंग पोस्चर है वो ही सही नहीं होता, जिस कारण उनके जो हैंड की मूवमेंट है वो फ्रीक्वेंट नहीं हो पाती, सही मूवमेंट नहीं कर पाते उनके हाथ और उनकी उंगलियां, और वो अक्षरों को सही तरीके से नहीं लिख पाते, इस कारण भी उनकी जो हैंडराइटिंग है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती, सुंदर नहीं बन पाती हैंडराइटिंग। अब जैसे स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा अगर झुक कर लिखता है नोटबुक पे तो भी वो साफ नहीं लिख पाएगा, अगर वो बहुत ज्यादा नोटबुक से पीछे होके लिखता है तब भी वो साफ नहीं लिख पाएगा, अगर वो लेटे लेटे लिखता है तब भी वो साफ नहीं लिख पाएगा। तो लिखाई के लिए, लिखने के लिए, राइटिंग स्किल को डिवेलप करने के लिए, हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने के लिए एक जो पोस्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए स्टूडेंट का, एक जो आसन है, जो मुद्रा है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है होल्डिंग पेंसिल एंड पेन,
पेन और पेंसिल को पकड़ने का तरीका भी गलत हो सकता है कई बार स्टूडेंट्स का, जिस कारण से उनकी लिखाई जो है वो सुंदर नहीं बन पाती या उनकी हैंडराइटिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती सही तरीके से। कई बार स्टूडेंट पेन को बहुत आगे से पकड़ लेते हैं, कई बार बहुत पीछे से पेन या पेंसिल को पकड़ते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा दबाव डाल के लिखते हैं पेन या पेंसिल के ऊपर, जिस कारण वो सही तरीके से नहीं लिख पाते। तो ये कुछ कारण थे, ये कुछ कॉजेज थे जिसके कारण स्टूडेंट्स की जो हैंडराइटिंग है वो सुंदर नहीं हो पाती, कॉजेज ऑफ बैड हैंडराइटिंग। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। टेक्निक्स टू इम्प्रूव बैड हैंडराइटिंग, कि जो तर्क संगत हस्तलेखन नहीं है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सुंदर लिखाई स्टूडेंट्स में कैसे विकसित कर सकते हैं। फर्स्ट है यूज ऑफ फोर लाइंड नोटबुक्स। जो फोर लाइंड नोटबुक्स हैं, जो चार लाइनों वाली नोटबुक्स होती हैं, कॉपियां होती हैं, हमें प्रैक्टिस जो है वो स्टार्टिंग में स्टूडेंट को उन पे प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जो फोर लाइन वाली नोटबुक्स होती हैं, जिससे कि स्टूडेंट को अक्षरों की जो बनावट है वो बिल्कुल सीधी हो, उन्हें पता होगी किस अक्षर को किस प्रकार लिखना है और उनकी जो बनावट है वो बिल्कुल सही बने। तो फोर लाइन नोटबुक के थ्रू हम स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल सीधा इरेक्ट पोजीशन में लिखना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है सिटिंग इन प्रॉपर पोस्चर। हमें स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि लिखने के लिए, लिखाई के लिए जो एक सही मुद्रा है, शारीरिक मुद्रा, वो कैसी होनी चाहिए, कि आपने बिल्कुल इरेक्ट पोजिशन में सीधे बैठ कर बेंच के ऊपर रख के एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके नोटबुक से सही तरीके से पेन पेंसिल को होल्ड करके लिखना है, जिससे कि उनकी लिखाई सुंदर बने। नेक्स्ट है यूजिंग कॉलीग्राफी नोटबुक। जो कॉलीग्राफी नोटबुक्स होती हैं, कॉलीग्राफी नोटबुक्स मीन्स जिनमें की जो पहली लाइन है वो सुंदर लेख सुलेख टाइप जो नोटबुक्स होती हैं उनमें पहली लाइन लिखी हुई होती है, अक्षरों की बनावट बिल्कुल सही तरीके से होती है, और वो स्टूडेंट क्या है उस पूरे पेज को फिर उस एक पहली लाइन को देख करके कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो कॉलीग्राफी नोटबुक्स की तरह का यूज करके भी हम स्टूडेंट की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका जो लेखन है उसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंजिंग कॉम्पिटिशंस। अब हमें क्लासरूम में एक टीचर को जो लिखाई के लिए कॉम्पिटिशंस है, हैंडराइटिंग की जो कॉम्पिटिशंस है, इस तरीके के कुछ कॉम्पिटिशंस, कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट सुंदर लिखने के लिए मोटिवेट होंगे, उनका इंटरेस्ट होगा, वो अंदर से मोटिवेशन उनकी होगी कि हम भी अच्छा जो है वो साफ लिखें, अच्छा लिखें, सुंदर लिखें और हमें भी प्राइज मिले या हमारे भी कोई पोजीशन आए उस कंपटीशन में। तो इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स एक टीचर को क्लासरूम में अरेंज करने चाहिए, ऑर्गेनाइज करने चाहिए। शोइंग मॉडल हैंडराइटिंग, जो एक आदर्श हस्तलेखन है, एक टीचर को वो आदर्श हस्तलेखन स्टूडेंट को शो करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट एक आदर्श हस्तलेखन को फॉलो करें। और वो मींस जो बैड, हमने फर्स्ट इसमें किया था कि इमिटेशन ऑफ बैड एग्जांपल्स, कि बैड हैंडराइटिंग को वो फॉलो ना करके एक जो आदर्श हस्तलेखन है उसको फॉलो करके वो अपनी लिखाई को भी वैसे ही बनाए, अक्षरों की बनावट उस आदर्श हस्तलेखन की तरह, उस आदर्श हैंडराइटिंग की तरह ही बनाए, जिससे कि उनकी हैंडराइटिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग मिस्टेक्स। अब जब स्टूडेंट्स हमें कोई रिटन मटेरियल लिख करके दिखाता है और अगर उसकी त्रुटि है, अगर कोई मिस्टेक है उसकी लिखाई में, उसकी लिखावट में या लिखी गई सामग्री में, तो हमें उसकी उस मिस्टेक को, उसकी उस गलती को बताना है, उसको नज़रअंदाज हमने नहीं करना, जिससे कि स्टूडेंट जब भी नेक्स्ट टाइम लिखेगा तो वो अपनी उस त्रुटि को, अपनी उस एरर को रिमूव करके सही तरीके से साफ रूप में लिखना सीख जाएगा। नेक्स्ट है होल्डिंग पेन पेंसिल प्रॉपरली। हमें स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें पेन को सही तरीके से पकड़ना या पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना, होल्ड करना सिखाना है, कि कहाँ से हमने पेंसिल या पेन को पकड़ना है और कितना दबाव डाल के लिखना है। इस तरीके की जो बातें हैं, जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की, ये हमें स्टूडेंट्स को सिखानी चाहिए, जिससे कि उनका हस्तलेखन, उनकी हैंडराइटिंग सुंदर बने। नेक्स्ट है यूजिंग चॉकबोर्ड। चॉकबोर्ड का यूज करके भी हम स्टूडेंट के हस्तलेखन में सुधार कर सकते हैं, उनकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट मान लो किसी अक्षर को या किसी शब्द को सही तरीके से नहीं लिखता, साफ नहीं लिखता, तो हम उसको ब्लैक बोर्ड पे, टीचर क्या है पहले खुद लिख के दिखाएगा वो वर्ड, वो शब्द या वो अक्षर, फिर स्टूडेंट से कहेगा कि इसको देख के आप चॉक बोर्ड पे ही इसको दोबारा से लिखिए। तो इस तरीके से चॉक बोर्ड का यूज करके हम स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें चॉक बोर्ड पे प्रैक्टिस करा के शब्दों को सही तरीके से सीधा लिखना सिखा सकते हैं, साफ लिखना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है गुड क्वालिटी ऑफ राइटिंग मटेरियल। जो लिखित सामग्री है
अच्छी क्वालिटी की लिखित सामग्री का प्रयोग करके भी हम स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब राइटिंग मटेरियल में क्या आएगा, जैसे पेन आ गया, पेंसिल है, कॉपी है, कागज की क्वालिटी है, इंक की क्वालिटी है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। मीन्स जो इंक है वो डार्क होनी चाहिए, पेन या पेंसिल जो है वो डार्क होनी चाहिए, पेपर की जो क्वालिटी है वो थिक होनी चाहिए, व्हाइट कलर में पेपर होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट की जो हैंडराइटिंग है वो इम्प्रूव हो, जिससे कि स्टूडेंट की जो लिखाई है वो सुंदर लगे लिखा हुआ। तो इस तरीके से ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपने आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि कॉजेज ऑफ बैड हैंडराइटिंग, कि एक अच्छे हस्तलेखन जो है वो किस कारण से हम स्टूडेंट्स का अच्छा हस्तलेखन नहीं हो पाता, उसके क्या क्या कारण है, और टेक्निक्स टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग, कि उनके हस्तलेखन को अच्छा बनाने के लिए, उनके हैंडराइटिंग को अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, वो टेक्निक्स हमने डिस्कस करी हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।